नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। अपने बयानों को लेकर हमेशा से विवादों में रहने वाले राज्यसभा सदस्य अमर सिंह ने राज्यसभा की सदस्य जया बच्चन पर निशाना साधा है। अमर सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वो जया बच्चन के साथ उनके पति अमिताभ बच्चन, बेटे अभिषेक और बहू ऐश्वर्या राय बच्चन पर जमकर तंज कसते नजर आ रहे हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अमर सिंह ने बच्चन परिवार के बारे में क्या कहा ये भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर जया की किस बात से नाराज हो गए अमर सिंह। दरअसल राज्यसभा में बड़े पर्दे पर दिखाई जा रही अश्लीलता और पोर्नोग्राफी के बारे में चर्चा हो रही थी। इस पर जया बच्चन ने सफाई देते हुए कहा कि रिमोट आपके हाथों में है, जब चाहे दबा दो। सुनिए जया का पूरा बयान। मगर आप कब तक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से लड़ेंगे? ये आपके ऊपर है, माता पिता के ऊपर है, टीचर्स के ऊपर है, गार्जियंस के ऊपर है। कोई चीज़ आपको अश्लील लगे, टीवी बंद कर दीजिए, रिमोट आपके हाथ में है। दिस इज योर फ्रीडम, दिस इज योर राइट। हम यहाँ चाहे फिल्म वालों के बारे में बोल दें, टीवी सीरियल के बारे में बोल दें, हम पोर्नोग्राफी के बारे में बोल दें, मगर ये सारे गैजेट्स ऐसे हैं कि आप जब चाहें इसको बंद कर सकते हैं। ये दायित्व आपका है, ये दायित्व उनका नहीं है जो ये बना रहे हैं। वो किस वजह से बना रहे हैं वो ही जानते हैं, मगर इसको स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करने का फ्रीडम आपके हाथ में। जी, जया का जवाब तो ऐसे हो गया जैसे तंबाकू, सिगरेट, शराब पर बैन लगा दो, लेकिन कभी तंबाकू शराब के कारखानों पर बैन नहीं। प्लास्टिक पर बैन लगता है पर प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी पर नहीं। जी हाँ, जया भी यही कह रही थी कि अगर बड़े पर्दे पर अश्लीलता परोसी जा रही है तो परोसने दो, आप टीवी ही बंद कर दो। जया बच्चन की इसी बात से किसी जमाने में अमिताभ को अपना भाई बताने वाले अमर सिंह ने एक बार फिर से बच्चन परिवार पर करारा हमला बोला है। अमर सिंह ने राज्यसभा सांसद जया बच्चन के एक भाषण को लेकर उनके परिवार पर जुबानी तीर छोड़े हैं। अमर सिंह ने बच्चन परिवार पर निशाना साधते हुए एक वीडियो अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है। वीडियो में अमर सिंह कहते हुए दिख रहे हैं कि एक अजीब माहौल देश में है महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में बात कर रहे हैं। कल राज्यसभा में मेरी पुरानी साथी, जो अब नहीं है साथी, महिलाओं के बारे में बड़ी पीड़ा से बोल रही थी। कह रही थी कि तकनीकी आंदोलन को आप नहीं रोक सकते, पोर्नोग्राफी या चलचित्रों के गंदे परिदृश्य अगर आप टीवी में देखते हैं तो रिमोट आपके हाथ में है, रिमोट दबा दीजिए सब ठीक हो जाएगा। तो आप तो परिवार, और ये भी उन्होंने कहा कि मेरी भी बेटी है, तो कम से कम आप माँ हैं, पत्नी हैं, तो माँ और पत्नी के हाथ में सामाजिक रिमोट होता है। आप अपने पति से क्यों नहीं कहती कि जुम्बा चुम्बा दे दे न करें? आप अपने पति को क्यों नहीं कहती कि भीगते बरसात में भीगती नायिका के साथ आज रपट जाइ हो तो हमें न भूलियो न करें? आप अपनी पुत्र वधु को क्यों नहीं कहती कि वो ये दिल है मुश्किल में जो परिदृश्य उन्होंने किए हैं वो न करें? आप क्यों नहीं सलाह देती वो लो शुरू हो गई अब प्यार की दास्तां वो न करें? आप अपने बेटे अभिषेक को क्यों नहीं कहती कि वो ऐसा दृश्य न करें जिसमें यश चोपड़ा की धूम में जिसमें नायिका जो है लगभग नग्न हो जाती है? उन परिदृश्यों को देखकर युवा मानस पटल पर क्या बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बड़ी अच्छी संस्कृति पड़ेगी। तो घर की महिला होने के नाते आप भाषण दे रही हैं सदन में, तो आप गुड्डी रह गई और कोशिश की गूंगी और बहरी रह गई। तो जब घर में ही आप चैरिटी बिगिन एट होम कहते हैं, पहले अपने घर में सुधारें। जी हाँ, अमर सिंह ने बच्चन परिवार को निशाना बनाते हुए जया को कह दिया कि पहले अपने घर में सुधार कीजिए, अपने पति और बहू को देखिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जया बच्चन सही है या अमर सिंह? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे वीके न्यूज। शुक्रिया।